नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। सभी को बहुत पसंद आते हैं, आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी आटा लिया है, आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। मैंने एकदम सॉफ्ट आटा लगा लिया है, इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम पराठे के लिए आलू का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे। अब हमारा आलू मसाला बनकर के तैयार है, तब तक हम आटे को चेक कर लेते हैं। अब हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा आटा लेकर के इसकी लोई बना लेंगे। आप इसे बेलन से भी पूरी बेल सकते हैं, मैंने हाथ से बना ली है। अब इसमें हम आलू मसाला भरेंगे। अब इसे हम दबा दबा करके किनारों से अच्छे से इसे बंद कर देंगे और इसमें सूखा आटा लगा करके हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। अब हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब इस पर हम ऑयल डाल देंगे। अब इस पर पराठा डालेंगे। पराठे को पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अब हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आपको मैं दिखाती हूँ तोड़ करके आलू का पराठा हमारा कैसा बना है। हमारा आलू का पराठा बहुत ही अच्छा बना है, इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं। हरी चटनी, सॉस, दही, एक बार ट्राई करके घर पर ज़रूर देखें।